मॉड्यूल सेवेंटी फोर डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया फॉर पैरोनिया वेन वी टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया फॉर पैरो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएसएम फाइव का जो डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया है उसके बारे में तो डी एस एम फाइव का जो डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया है फॉर पैरो दैट कंसिस्ट ऑन ए टू एफ क्राइटीरिया सो ए क्राइटीरिया क्या है वो कहता है कि डेलिबरेटली एंड पर्पजफुल फायर सेटिंग ऑन मोर देन वन ओकेजन तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि डालिब्रेट एंड पर्पजफुल फायर सेटिंग है लेकिन मोर देन वन ओकेजन है दो इट इज़ डिब्रेट एंड पर्पजफुल लेकिन वो होती क्यों है टेंशन और एफैक्टिव रोजल बिफोर द आट यानी जो बच्चा होता है उसको जिस वक्त वो फायर सेट करता है उससे पहले उसके अंदर टेंशन होती है या उसके अंदर किसी किस्म की मूड चेंजेस आ रही होती हैं उन मूड चेंजेस uh, की वजह से जब वो फायर सेट करता है तो डेफिनेटली जो उसकी टेंशन है वो रिलीज़ होती है ठीक है सी जो है उसका क्राइटेरिया वो क्या है कि फैसिनेशन विद इंटरेस्ट इन क्रियोसिटी अबाउट और अट्रैक्शन टू द फायर एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट ठीक है ऐसे पैराफर्नीलाज हैं यूजेस हैं और कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं फायर से और जितनी भी एकवपमेंट है उसकी उसके साथ इनकी एक बहुत ज़्यादा करियोसिटी इन्वॉल्व होती है और जहाँ पर भी ये उससे रिलेटेड चीज़ें इनको पड़ी हुई नज़र आती हैं तो ये उनको एक्सप्लोर करते हैं उनके यूज़स को देखना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं कि जब फायर सेट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो क्या डेवलप होते हैं तो इनका जो इंटरेस्ट है और फैसिनेशन है और जो करोसिटी है वो आपको नजर आएगा इन बच्चों के अंदर देन डी uh, जो है वो है प्लेयर ग्रेटिफिकेशन और रिलीफ व्हेन सेटिंग फायर और व्हेन विटनेसिंग और पार्टिसिपेटिंग इन देयर आफ्टरमैथ सो बेसिकली जिस तरह इन्होंने बी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि फायर सेटिंग से पहले इन्हें टेंशन फील होती है या इनके अंदर किसी किस्म का इफेक्टिव अरोजल आता है यानी किसी किस्म का मूड चेंज है और जब वो फायर सेट कर लेते हैं तो डी क्राइटेरिया में दे आर एक्सप्लेनिंग कि दे फील प्लेयर एंड ग्रेटिफिकेशन और, और रिलीफ तो रिलीफ किस चीज़ से टेंशन से रिलीफ जो है वो उनको फील होता है और इस्पेसली वो प्लेयर फील करते हैं कब जब वो कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं कि जो फायर अ, सेटिंग हुई है जाओ उसको ऑब्जर्व करते हैं या उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं यानी उसके बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ से लोगों को हटाना है चीज़ों को हटाना है तो उससे भी जो है इनको प्लेयर आ, मिलता है ठीक है आ, लेकिन ई क्राइटेरिया है दैट हैज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू नीड टू बी अंडरस्टैंड क्लियरली कि जो पैरोमीनिया है वो कभी भी मोमेंट्री गेन्स के लिए नहीं होगा सोशो पोलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए नहीं होगा जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो समटाइम फायर सेटिंग करते हैं तो दिस इज नॉट दैट थिंग फिर वो कंसील क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए नहीं होगा कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की और उसके बाद आप रिकॉर्ड जला दें ऐसा नहीं होगा ना ही वो अपना एंगर uh, जो है वो किसी की तरफ एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह करेंगे और ना ही वो अपने लिविंग सरकमस्टांसिस इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे फॉर एक्ज़ाम्पल अगर मैं अपने शॉप को आग लगा देता हूँ तो मुझे जो है उसकी इंश्योरेंस का रकम मिल जाएगी और उसकी वजह से मेरे जो लिविंग सरकमस्टांसिस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा इसी तरह डिल्यूजन और हलूसिनेशनस जो हैं उसकी वजह से वो ऐसा नहीं करेगा यानी डिल्यूजनल थॉट्स जो हैं उसकी वजह से या इन रेस्पॉन्स टू हलूसिनेशन जैसे ऑडिटरी हलूसिनेशन है कि द पर्सन इज़ लाइक हेयरिंग द कमांड्स फ्राम अन अदर पर्सन एंड देन ही और शी इज़ लाइक अबाउट टू सेट अफाई तो इस किस्म का कुछ नहीं होगा ठीक है इसी तरह इम्पेयर जजमेंट जो है वो उनकी नहीं होगी इम्पेयर जजमेंट जो है डेफिनेटली कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है जिसकी वजह से आ, आ, कोई आपकी जो जजमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो गई है तो डेफिनेटली उसकी वजह से ये डिसऑर्डर नहीं होगा और इसी तरह सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन की वजह से या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से यानी कि जो आ, बच्चा है उसको पता ही नहीं है कि जो फायर सेट करनी है वो हार्मफुल हो सकती है या हजेडियस हो सकती है तो इस वजह से जो है वो फायर उसको सेट नहीं करनी चाहिए देन द एफ क्राइटीरिया फायर सेटिंग इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाई कंडक्ट मैनिक एपिसोड और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सो द थिंग इज़ जिस तरह हम बार बार इस पॉइंट पे एम्फोसिस कर रहे हैं कि पैरोमेनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन उसको फील होगी और टेंशन के बाद वो जब फायर सेट करेगा तो वो रिलैक्स फील करेगा दैट्स द ओनली मोटिव जबकि कंडक्ट डिसडर में यू you नो know कि जो फायर सेटिंग होती है वो आ, एनिमल्स को या पर्सनस को या प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए यूज़ की जाती है तो इस तरह नहीं होता आ, पैरो पैरोमिनिया में इसी तरह जो मैनिक एपिसोड है एक पर्सन बहुत ज़्यादा यूफोरिक हुआ हुआ है और उसके अंदर जाके उसने फायर सेट कर दिया या एक बंदा तो उस वजह से जो है वो फायर सेटिंग नहीं जो होगी उसको हम पैरोमिनिया नहीं कहेंगे इसी तरह एंटी सोशल पर्सनलिटी डिसऑर्डर कि आप किसी को हार्म करना चाहते हो और उस वजह से आपने जो फायर सेट किया है वो किया है या अपनी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है उसे हाइड करने के लिए आपने फायर uh, सेट किया है तो दैट आल्सो नॉट कम अंडर द हेडिंग ऑफ पैरोमेनिया तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैरोमेनिया जो है आ, वो इसमें इम्पल्सिव डिसऑर्डर है और एकदम से जो आ, बच्चा है वो फायर को सेट करता है और उससे पहले उसे टेंशन फ़ील होती है उसके बाद वो क्रेटिफिकेशन फील करता है थैंक यू